Hey, so here I'm cooking right now. So this thing here you can see. I need my spoon. I think where did I keep? Yeah, this one is here. So ये देखिए दोस्तों मैं कैसे इसको बना रहा हूँ. अभी वैसे मैं थोड़ा कम क्वांटिटी का कुक कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट इट लाइक मोर चीजी एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे और ये आप देख सकते हैं कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, दिस इज़ द सॉल्ट. ये आपका हो गया पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस और ये आपका पिज़्ज़ा सीजनिंग और दिस इज़ अ रेगुलर चीज़ स्लाइस. सो ये आप यहाँ पे कुक कर सकते हैं. और ये मैंने ये मैक्रोनी जो है ये भी केया वाला कंपनी का ही लिया है. ये बहुत ही इकोनॉमिक है क्योंकि इसका एक बड़ा सा पैकेट आता है अराउंड 100 रुपीज़ या कुछ में. मैगी से तो बहुत ही सस्ता है और हेल्दी भी है क्योंकि आप इसको अपने हिसाब से कुक कर सकते हैं इसको. और ये प्रोटीन लिखा हुआ रहता है उसमें कि दिस इज़ मेड ऑफ अ प्रोटीन. सो आई गेस दैट्स ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ. सो ये मैंने एक पिज़्ज़ा के लिए ऑल्टरनेटिव अपना ढूंढ के निकाला है. सो आई एम शेयरिंग इट विद यू एंड आप इसको चीज़ी फ्लेवर में इसको खा सकते हैं. मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में कुक करता हूँ इसको बट आज अभी क्योंकि इट्स 4 AM राइट नाउ, 5 PM. सो 2 घंटे के बाद तो मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट खाने वाला हूँ इसलिए मैं थोड़ा सोचा आज की थोड़ा कम क्वांटिटी में इसको कुक करूँ. तो ये आप देख सकते हैं. लेट्स सी आउटसाइड व्हाट इज़ देयर. आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको अटैचेबल डिटैचेबल फॉर्मेट में इसको रखा हुआ है. और अभी मैंने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया है अपना और आप देख ही सकते हैं. तो ये कैसे कुक हो रहा है अभी देख सकते हैं. एक्चुअली क्या है कि इसको थोड़ा सा बॉईल होना अच्छा है क्योंकि वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है. तो इसको ये वैसे कुक हो गया है और स्पेशली इसी चीज़ पे ये बेटर कुक होता है. आप इसको ओपन कुकिंग नहीं कर सकते हैं. थोड़ा सा और पानी डालते हैं. ये मैंने इसको किया बंद और मैं आपको सेटिंग्स दिखा दूँ थोड़ा सा कैसे चल रहा है इसका सेटिंग्स. और आप देख सकते हैं कि मेरा कैसे काम चल रहा है यहाँ पे और मैं कुक कर रहा हूँ. तो ये बहुत ही परफेक्ट है. आप अगर काम करते हैं बहुत ज़्यादा तो आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए भी करना चाहिए. इसके बाद वैसे तो मैं यहाँ पे अभी टी भी कुक करने वाला हूँ. मैं कैसे आपको दिखाता हूँ. तो ये जो है ये अगारो का राइस कुकर है और बिल्कुल पैसा वसूल है. मैंने जितना भी लिया है खाना मैंने अच्छा बन सकता है. बैचलर्स के लिए बहुत ही सही है. आप काम करते हैं आपको आप कहीं पे भी रहते हैं हॉस्टल में तो आपको ये काफ़ी हेल्प कर सकता है सारा चीज़ कुक करने के लिए. मैं इसमें राइस कुक करता हूँ, मिल्क बॉयल करता हूँ, टी बनाता हूँ, मैगी बनाता हूँ, सूप बनाता हूँ. आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो सब बन सकता है इसमें एक्सेप्ट बेकिंग रोटी एंड केक दो थिंग्स. So and frying also. So this one is better option for like steaming everything. Health के लिए आपको बहुत अच्छा है. Fry करना अच्छा नहीं है unless you are using a air fryer kind of thing. So ये यहाँ पर मैंने settings मैं और किसी दिन आपको ये सारे settings explain करूँगा इसके लिए. और so that's about it. And let's see अभी कैसे हो रहा है. I will again check back when it is done. So ये क्या है कि बहुत ज़्यादा time नहीं लगेगा इसको, बस 5-10 मिनट ही लगता है, 7 minutes. और ये आप देख सकते हैं वैसे तो रेडी है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है उसको क्या प्रोटीन करके बोलता है इसमें ना. तो फिर इसको जितना अच्छा कुक वैसे ये होने के बाद भी आप इसको एक काम कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिड क्लोज करके इसको रख सकते हैं, इसको ऑफ करके. ये उतने ही हीट में ये एक बार किया तो ये वार्म मोड में आ गया. बस अब बंद है. अब इसके स्टीम से ही अपने आप ये कुक होगा. इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम चाहिए. आप उसमें कुछ काम कर सकते हैं अपना भी.